हाँ दोस्तों, मैं हूँ कानपुर वाला रावण भाई। मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं कुड़ी मंदिर में रोड मतलब मंदिर रोड में बैठा हुआ हूँ। परचून खोले भाई साहब, व्यापारी के हाल बताऊं, जितने परचून वाले हैं जिंदगी में का करे पाई अपने लाइफ में। देखो जितने दुकानदार हैं जो दुकान खोले बैठे आज के जीवन में, रियल की बात बता रहे मुझे थोड़ा बैक का आवाज चबा भाई साहब, जिंदगी में केवल घर चला सकते हैं अपने जीवन में। शादी कर ले है मेरिया घर में आज चार लड़का बच्चा पैदा हो जाइए, और एक बात भाई साहब, केवल धीरे धीरे परिवार तेरा चला रही है धीरे 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 धीरे। ये सोच लो चार पहिए में घूम ले और मर्सिडीज गाड़ी में बैठ जाओ तो भी ख्वाब समझ लो मिट्टी में है, समझो जीरो बटा सन्नाटा। भाजी आज का ब्लॉक है यो, व्यापारियों खातिर वीडियो बना रहे हैं भाई साहब। हंसे हो ना देख के, चाहे जितना अपन मुस्किया हो, मगर आप लोगों से हम आज अपनी दिल की बात अब तक खोल के धर देन, पूरा पैजामा उतार देन अपन जितना है। कहे के मारे होगा हम इतने दिन सोएगा हाँ भाई साहब, उम्र 4/99 है, हम 23 साल के हैं। अबे हमारा शादी तक नहीं भाई भाई जी यार, अब अपनी जिंदगी में हम कुछ तो करें ना भाई बे। हम बस ये आया कि जीवन भर हम पाले जी बेची बे, हमार लड़का पैदा हो जी वो पाले जी बेची। कहे के मारे जे के घर में जौन काम हुआ थे वो आए आगे ते पीछे तक कर चला जावा थे भाई साहब, मजाक नहीं कर रहे ना, रियल की बात है। नेता लड़का वो नेता बनी वो कुछ ना बनी, ऐसे हमार लड़का जब पैदा हुई बहुत सा पाले नमकीन बिस्कुट बेची एक मारे बेची कि कहा थे बप्पा तो यार कर ही नहीं आया हम कल्याण। हम सोचन पढ़े लिखे ले तो मगर भी पढ़े लिखे ना पाइए, हमका पता है एक किराना एक ऐसा व्यापार है और कोई भी व्यापार हो तो लेकिन जब तक आपके आपके परिवार में आपके कोई भी सदस्य में किसी भी तरीके का व्यापार हो, आपके यहाँ प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, वो जो कुछ आप कर रहे हैं तो आपका जो आपने परवरिश कर बड़ा किया है अपने लड़के को वही करेगा। तुम्हारा लड़का या बड़ा वाला या छोटा वाला एक काम जरूर पकड़ेगा आपका, क्योंकि कादने बप्पा के थोड़ा गुण जाता लड़का माँ तो वो गुण हमारे हमारे बप्पा के गुण हमारे ऊपर आ गए हैं। और आज एक व्यापारी हमारे दुकान में हुआ है पर्वत खेरे में रात है, सरवन नाम है। सरवन भाई जी दिखाओ इनका शकल अपन, ठीक है हम इतना गारंटी के साथ कह रहे जी अपन दुकान चलाई है, जब ये लड़का बच्चे यू पैदा करी है तो इनके लड़का बच्चा साहब परचून की दुकान में खुली है, हम गारंटी के साथ कर रहे हैं। ना मानो हमसे चाहे मोहल्ले खुआ लो भाई साहब, हमें विश्वास है क्योंकि हमारे पिताजी पहले हमारे पिताजी टायर घिसा करते रहे, मतलब टायर के पंचर खोले रहे दुकान, पंचर की दुकान खोले रहे पहले तो ठेला अलग मतलब ठेला अलग जावा करते रहे, मजाक नहीं रियल की बात है। एक ही बार भी थोड़ा विश्व मतलब बिसुआ खाना जमीन ली नहीं समाधि बिसुआ ओमा धन परचून की दुकान, परचून की दुकान भरे नहीं एक ही बात भी धीरे धीरे अपन व्यवसाय में पाले आले बिस्कुट विस्कुट सब भरे नहीं। रात बड़े गाँव रात में माँ पापा चाचा माँ समझो कुल मिला के चाचा पापा माँ बराबर है, ये एक एक भाई है समझो कुल मिला के। तो ये ऐसे धीरे धीरे कद व्यापार में उन्नति लाए। अब हम उनके पैदावार से लड़का हमारा नाम है रावण भाई कानपुर वाले, हम ब्लॉकों बनाओ थे ना आपका एंटरटेनमेंट भी कराते हैं, दोनों साथ में हर चीज कराते हैं। तो ऐसे जिंदगी भी सारी अपने उम्र होगी अपने हेलीकॉप्टर में कमाऊ ना बैठो या माँ बप्पा, रियल की बात बता रहे हैं भाई साहब, यकीन की बात कर रहे हैं, जो व्यवसाय में घुसा उसकी हम जानकारी दे रहे हैं भाई साहब। हमारा बाप अभी आज तक कमाऊ हेलीकॉप्टर में ना बैठे हुए हैं भाई साहब, रियल की बात बता रहे हैं। अभी हमारा ख्वाब है कि भी बैठे हैं हेलीकॉप्टर में, मगर क्या करे साला ही व्यापार ऐसा है कि छाटू चुतिया का व्यापार हो चुका है पहले थे, अठन्नी जवानी में आदमी गांड हिलाक चल देता है, बताओ क्या करे। आपका देश है भाई साहब, अपने लड़का बच्चे को खूब पढ़ाओ आईएएस पीसीएस बना डालो, मगर जी काम मना घुसे रहो जो काम है बहुत चूतियापन छाटू। हंसो ना भाई साहब, सीरियस बात हुई रही सीरियस बात झोंके दे उनका। भाई लोगों से अनुरोध है हमारी बात का अगर बुरा लागे तो भाई साहब वीडियो पूरा ना देखो, अगर अच्छा लगे तो पूछ अपने गांव में अपने खानदान में अपने रिश्तेदार में अपने बुआ फूफा में उसी यकीन जितने भी रिश्तेदार हुए उनके घर में ये वीडियो शेयर जरूर करना भाई साहब। मैं रियल बोल रहा हूँ, मैं हूँ कानपुर वाला रावण भाई, इतनी बात डालूंगा। जय हिंद दोस्तों।